अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सेट है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले और ये दोस्तों पैटर्न लॉक के ऊपर ठहरा हुआ है। इसके बाद ये चला जाएगा एफआरपी आईडी के ऊपर। ये दोनों लॉक आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट रिमूव करके दिखाऊंगा विदाउट पीसी। आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेना, आप वीडियो को कम्प्लीट देखेंगे तो आपको इसकी समझ लगेगी। और ये है एंड्रॉयड 11 के अंदर, ठीक है। और एंड्रॉयड 11 के अंदर जितने भी सेट हैं वो आप इस तरीके से एफआरपी आईडी रिमूव कर सकते हैं। चले दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट देख लें। सबसे पहले आपने सेट को ऑफ़ कर लेना है। जैसे ही आपका सेट ऑफ होगा आपने पावर बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है और उसके बाद आपने वॉल्यूम अप को प्रेस कर देना है, ठीक है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने पावर बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस कर लेना है और प्रेस करके रखना है, और 3 सेकंड के बाद फौरी आपने वॉल्यूम अप को प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही ये इन्फिनिक्स लोगो पर आएगा आपने पावर बटन को छोड़ देना है। इस ऑप्शन के बाद जैसे ही हम इसको फुल फैक्ट्री रीसेट करेंगे इसका जितना भी डाटा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपने इधर आ जाना है, इधर आपने वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट ये आपने कंप्लीट कर देना है और इसके जितने भी लॉक हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे और ये चला जाएगा एफआरपी आईडी के ऊपर। एफआरपी आईडी भी आज मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट रिमूव करके दिखाऊंगा विदाउट पीसी, लेकिन आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेना है।
ये आप चेक कर सकते हैं, ये वेरीफाई योर अकाउंट के ऊपर ठहरा हुआ है। आपने यहाँ से इसको मुकम्मल बैक कर लेना है, और जो इसकी टॉक बैक वाला ऑप्शन होता है ये इसका वर्क नहीं कर रहा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, वॉल्यूम अप और डाउन बटन दोनों को आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो इसकी टॉक बैक ऑन नहीं हो रही। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू अपडेट है FRP की। और इस तरीके से जितने भी एंड्रॉयड 11 के अंदर सेट हैं इनकी आप FRP ID रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आपने इधर आ जाना है और आपने वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप वाईफाई को कनेक्टेड करेंगे तो ये इस सेटिंग के ऊपर आ जाएगा। इधर आपने वाईफाई को डिसकनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस जगह पर आकर आपने वाईफाई को ऑफ़ कर लेना है, इंटरनेट को आपने ऑफ़ कर लेना है। अगर आपकी सिम है तो आपने सिम को निकाल लेना है सेट के अंदर से, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस सेटिंग के ऊपर, यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। और आपने इधर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। आपने फेस अनलॉक को ओपन कर लेना, यहाँ से आपने पैटर्न लॉक को ओपन कर लेना, और इधर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी लॉक डायल कर लेना है, ठीक है। जैसे आप डायल करेंगे तो ये ऐप इन्फो के ऊपर आ जाएगा। आपने ऐप इन्फो को ओपन कर लेना, यहाँ से आपने सेटिंग को ओपन कर लेना है, और ये इसका एंड्रॉयड वर्जन है दोस्तों। आपने चला जाना है ऐप मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपने ऐप लिस्ट के अंदर चला जाना, और यहाँ से आपने एंड्रॉयड सेटअप को फॉर स्टॉप कर देना है। दोबारा आपने इसको बैक कर लेना, और इधर आपने गूगल प्ले सर्विस को डिसेबल कर देना, और इसके बाद आपने इसे फॉर स्टॉप कर देना, ठीक है। और आपने इसको यहाँ से बैक कर लेना है दोस्तों। जैसे ही आप इसको बैक करेंगे, वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देख लेना, आपने यहाँ से स्किप कर लेना है इसे, दोबारा फिर आपने इसको स्किप कर लेना, और यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना दोस्तों। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो इसकी जो FRP ID है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है।